नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, आज हम एक एंटरटेनमेंट की बात करेंगे और एक मूवी है जो आज सबके दिलो दिमाग में और सबके अंदर एक तरह से बैठी हुई है। उस मूवी का नाम है 12th फेल मूवी। मैं इस पर क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि एक जागरूकता के लिए भी ये वीडियो रहेगा और साथ में हमारे कुछ पॉइंट भी यहाँ पर मैं आप मतलब नोट करा दूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब देखा जाए बॉलीवुड में एक छोटे टीजर से लेकर ट्रेलर से लेकर मूवी तक आंकी जाती हैं, चेक की जाती हैं सेंसर बोर्ड के माध्यम से, IMDB के माध्यम से, और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के माध्यम से फिल्मों को गुजरना पड़ता है, तब फिर वो अपने एक टॉप मोस्ट या वर्ल्ड पॉपुलर मूवी की लिस्ट में शामिल होती हैं। तो उन्हीं में से एक ही मूवी शामिल हुई है 12th फेल, और मोस्टली हिंदुस्तान के यंगस्टरों ने देखी होगी, क्योंकि ऐसी मूवी जो सबके दिलो दिमाग में बैठी हुई है, इतनी संघर्षशील दिखाई है इसमें एक कहानी एक मनोज कुमार शर्मा की, जिससे सभी लोग आज सभी यंगस्टर जो एस्पायरेंट हैं प्रेरित हैं, मतलब इंस्पिरेशन इस मूवी से सबको मिली है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, और ये मूवी सबके जहां में उतर चुकी है। गाइस, इसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे पॉपुलर मूवी बन गई है 12th फेल। यहां तक है ओपनहाइमर, आप जानते होंगे मूवी आई थी हॉलीवुड में ओपनहाइमर, स्पाइडरमैन जैसी मूवी को भी पछाड़ चुकी है 12th फेल मूवी। है कुछ नहीं, ना कोई आइटम सॉन्ग है 12th फेल में, ना ही किसी प्रकार का सॉन्ग है, और ना ही मार धाड़ है, ना ही किडनैपिंग है, ना चोर चपाटी है, ना ही क्लाइमैक्स दिखाया गया है, ना ही एनिमेटेड मूवी है, एज इट रियल दिखाया गया है, रियल नहीं दिखाई, रियल दिखाया गया है। रियल एनालिसिस जो पिक्चर है, जो PPT है, विधु विनोद चोपड़ा साहब ने उसको अच्छी तरह से शो किया है दर्शकों के बीच में, और दर्शकों ने भी उस मूवी को अच्छी तरह से आनंद पूर्वक देखा, और उस मूवी से उन्होंने सब कुछ सीखा भी कि संघर्ष क्या चीज़ होती है और कैसे मिलता है ये संघर्ष, और संघर्ष के द्वारा हम सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, ये मूवी सबको सिखा गई है। गाइस, अक्टूबर में रिलीज होती है मूवी, तकरीबन ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें, 40 से 50 करोड़, मतलब 25 करोड़ में तैयार हो जाती है, और लगभग कई गुना ये कमा लेती है, जितना मतलब कमाई मैं ये नहीं कह रहा कमाई ज़्यादा हुई है, लेकिन IMDB जो 10 में से 9.2 रेटिंग मिली है इसको, इंटरनेट मूवी डेटाबेस होता है ये, जो कि 1990 के दशक में शुरू हुआ था ये IMDB, पहले नहीं था। IMDB से जो मूवी गुजर के जाती है, जिसकी रेटिंग लिस्ट बहुत टॉपर होती है, उसको पूरी दुनिया में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त होती है। पैसे की बात नहीं है, इमेज की बात है, स्टोरी की बात है, कंटेंट की बात है। कंटेंट अच्छा था इस मूवी का, किसी प्रकार का 3D एनिमेशन नहीं दिखाया गया, किसी प्रकार का डिजिटलाइजेशन नहीं दिखाया गया, जो था वही इस मूवी में दिखाया गया। इसलिए IMDB जो लंदन से लॉन्च होता है, और वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, पेरिस, ब्राज़ील, इंडिया, जो बॉलीवुड और फिल्में और हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड से लेकर सब जगह IMDb से ही गुजर के जाना पड़ता है इन फिल्मों को, तो IMDb में 9 पॉइंट रेटिंग में सबसे बेस्ट मूवी साबित हुई है 12th फेल। गाइस, क्योंकि नॉलेज लेना ज़रूरी था, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है करंट अफेयर में, बताइए IMDb में सबसे बेस्ट मूवी में किसको शो किया गया है, तो आप बता सकते हैं 12th फेल को किया गया है। ओपनहाइमर की भी जो रेटिंग स्केल रेटिंग लिस्ट है वो 8.4 की है, 10 में से आउट ऑफ 10 में से 8.4 की है गाइस। और आपका गदर 2 की बात करें तो उसकी 4 की समथिंग थी इंडिया की मूवी की बात करें, और बात करें जो अभी रणबीर कपूर की मूवी आई थी एनिमल, वो भी लगभग 7 की रेटिंग लिस्ट में थी IMDb, और 7.2 में पठान और ये सब जवान जैसी मूवी सबको पछाड़ दिया इस 12th फेल मूवी ने। इतना पैसा उन लोगों ने खर्च किया पठान, जवान
और एनिमल, बड़ी बड़ी मूवीज़ हमारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स लेके आते हैं और प्रोड्यूसर लेके आते हैं, कितना खर्चा होता है, लेकिन एक छोटी सी मूवी इन सब को सबक सिखा चुकी है कि दुनिया में शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता, जो वास्तविकता है अगर आप उसको दिखाएंगे तो हमारी जनता उसे लाइक करेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है, भारत देश में रहती है, और भारत देश में ऐसी फिल्में दिखाना बहुत बड़ी बात होती है, और पूरी दुनिया 12th फेल की एक तरह से फैन हो चुकी है। कई सारे स्टार 12th फेल के डायरेक्टर से, 12th फेल के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनसे, और जो 12th फेल के जो जो फिल्में बनी है, जो फिल्म बनी है मनोज कुमार शर्मा जी के नाम पर और श्रद्धा जी के नाम पर, उनसे भी पूरी दुनिया मिलने के लिए लिस्ट में, मतलब नंबर, मतलब लाइन में लगी हुई है, सब लोग मिल रहे हैं। हाल ही में रोहित शेट्टी जी मिले, कई बड़े डायरेक्टर मिले, मनोज कुमार शर्मा इस समय DIG हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर उनसे मिलते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा होती है कि 12th फेल में इतना सब कुछ दिखाया है, पूरी तरह से एक एक एनालिसिस, इमोशनल और कन्फ्लिक्ट मूवी दिखाई गई है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया गया है, फिर भी इतनी बड़ी इमेज, इतनी बड़ी फिल्म ये पूरी दुनिया में बन गई है, कमाई में नहीं लेकिन एक IMDb में सबसे बेस्ट मूवी साबित हुई है, क्योंकि लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, और ये फिर डिस्नी हॉटस्टार पर भी आ चुकी है 3 दिन पहले ही, तो जिन कैंडिडेट ने नहीं देखी तो डिस्नी हॉटस्टार पर डाउनलोड करके वो इस मूवी को देख सकते हैं, और मतलब आपको लगेगा कि हाँ मूवी में दम है, चाहे कुछ लोग को नहीं लगेगा कि जो ज़्यादा ही जिंदगी को हाई फाई लाइफ में जीते हैं तो उनको लगेगा कि क्या मूवी बनाई है, कोई सॉन्ग नहीं, किसी प्रकार की मार धाड़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोमांस नहीं है, कॉमेडी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, जो वास्तविकता है मनोज जी का और श्रद्धा जी का, कि कैसे तैयारी करते हैं कि UPSC वाले, और कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे अफोर्ड करते हैं, फीस कितनी है, कौन से टीचर्स बेस्ट हैं, दिल्ली में कौन सी कोचिंग सेंटर बेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं, क्योंकि UPSC ऐसा नहीं इंडिया का है, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, और इसको क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है, जो इस फिल्म में पूरी तरह से दिखाया है, और हमारे नौजवान इस फिल्म को लेकर काफ़ी मतलब रोमांचित हैं, और संघर्ष भी उनके अंदर और जागरूकता भी और मोटिवेशन भी उनको मिला है इस फिल्म में। देखा जाए इस फिल्म में किरदार निभाने वाले कई सारे एक्टर एक्ट्रेस, और जो गांव के जो एक्टर एक्ट्रेस दिखाए गए हैं, दादी माँ से लेकर माँ बाप और बहन, देन उसके जो मित्र हैं जो चाय वाले का रोल प्ले करते हैं, और जो मित्र उनको रेलवे स्टेशन से दिल्ली लेके आते हैं, वो सब का रोल एक तरह से इस मूवी से उठ गया है, और कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर अभिनय एक्टरों को मतलब अपने अगली फिल्म में हायर करेंगे, क्योंकि कई सारी मतलब भंडार मिल चुका है इन लोगों को, इन एक्टर एक्ट्रेस को, कि अब हमारे साथ आप काम कीजिए। देखिए गाइज, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा खर्च करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि पैसा खर्च करके उतना पैसा ना कमाया जाए जितना आपने लगाया है, या कमा भी लें तो क्या मतलब उस फिल्म का कुछ मतलब निकलेगा। अगर मैं एनिमल मूवी का भी एक एग्जांपल लूँ, बेशक उसने 900 करोड़ प्लस की कमाई की हो, क्या उसका समाज में एक इम्पैक्ट क्या है, संदेश क्या है, कि हर आदमी एनिमल बन जाए, हर आदमी एनिमल बन जाए, क्या कैरियर तबाह कर ले, कानून को अपने हाथ में ले ले। तो कुछ मूवी ऐसी होनी चाहिए जो समाज को सुधारने के लिए हो, यहाँ के बच्चों को निखारने के लिए हो। सोशल प्लेटफॉर्म बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, इंटरनेट बहुत है, इंटरनेट यूज करने वाले बहुत कम हैं, मिसयूज करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पूछा जाता है कि यूज करने वाला इंटरनेट कौन सा देश बनाए दुनिया में, तो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, लेकिन हमारे देशवासी इंटरनेट को मिसयूज करते हैं, यूज नहीं कर पा रहे, जो चीज़ हमारे पास है उसकी कीमत ही नहीं है, यूजलेस समझते हैं उसको। कई लोग तो बिना मतलब के ही इंटरनेट वाईफाई लगा रखे हैं घरों में, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, इतने सारे हानिकारक रेज हैं इसमें, और जिनके पास वाईफाई राउटर लगा हुआ है तो प्लीज़ अपने घर का वाईफाई राउटर रात में बंद करके सोया करें, एक बार आप देख लेना, वाईफाई राउटर के बारे में चेक कर लेना, पता चल जाएगा कि
कैसे लाइफ आपके फ्रस्ट्रेटेड होती है, कैसे दिमाग में स्ट्रेस आता है। बस छोटा सा मैसेज है, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर घर में वाईफाई, हर घर में सब कुछ, डेटाबेस सब कुछ है आपके पास, सारा GB और TB फीवी में सब आप रिचार्ज कराते रहते हैं टेराबाइट गीगाबाइट में, लेकिन उसका यूज किया करें सही तरीके से। सही जानकारी, सही और इन्फॉर्मेशन हमें हमारे मकसद तक ले जाएगी। तो बात यह नहीं कि हम लोग यूज नहीं करते, यूज करते हैं, मात्र 2 से 4% हम यूज करते हैं तरीके वाला, लेकिन गैर तरीके वाले मिस यूज करते रहते हैं इंटरनेट को। मानते हैं इंटरनेट रोजगार दे रहा है भारत में, कई सारे लोग रील्स बना रहे हैं, कई सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, कई सारे लोग अपने अपने हिसाब से तैयार करते हैं इंटरनेट के माध्यम से कंटेंट को, वो भी अच्छी बात है, जो समाज से रिलेटेड है, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कंटेंट लेके आइए जैसे कि 12th फेल एक मूवी आई है, अब हर कोई मूवी जगह जगह बनाता है, लोकल मूवी, नेशनल स्टेट लेवल पर लोग अपने अपने चैनल को खोल कर बना रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं संकेत और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसा अगर बनाएंगे तो मुझे लगता है लोगों के अंदर एक भावना जागृत होगी, अच्छे काम करने की भावना जागृत होगी। हमारे देश में बहुत बड़े गुरु महाराज रह चुके हैं, स्वामी विवेकानंद से लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर बड़े से बड़े हमारे यहाँ पर पैदा हुए हैं। ईश्वर की भी बात ले लो, परमार्थ की बात ले लो, फिलोसफर की बात ले लो, हर आदमी हर इंसान हमारे देश से गुजर चुका है अपने अपने सिद्धांतों को देते हुए, और आज उन्हीं सिद्धांतों में हमारे यंगस्टर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी से PhD करते हैं उन्हीं सिद्धांतों पर, और PhD यूनिवर्सिटी से कर कर अपने नौकरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और एक अच्छा संदेश देते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बात मैं UPSC उस 12th फेल की भी नहीं कर रहा, 12th फेल तो बस मैंने बता दिया है कि IMDB में काफ़ी अच्छी रेटिंग गई है, जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवी को भी पछाड़ दिया है। तो अच्छा मैसेज लेके आइए, जिंदगी को शो ऑफ में ना लगाकर बढ़िया तरह से, जो हैं आप ठीक हैं, जहाँ हैं बहुत बढ़िया हैं, उस गॉड ने, अल्लाह ने, प्रभु ने आपको अच्छी बख्शिश दी है। इस इंसान जो दिया है हमें चोला, इंसान जो हमें बॉडी दिया है इंसान, वो हमें अच्छा बनाना है। अगर हम इंसान के बॉडी को अच्छा नहीं बना पाए तो हम जानवर कहलाएंगे। इसलिए बढ़िया तरीके से मोटिवेट होते हुए आगे अपने रास्तों को चुनें, और अच्छे मैसेज जो भी आपको मिले उनको आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि हमारा देश आगे मतलब प्रगति करे, अग्रसर रहे और विकासशील से विकसित कैटेगरी में शामिल हो जाए। तो बस ओवरऑल मैसेज यही रहा था 12th फेल का, कि कोई भी किसी प्रकार का उसमें धाड़ मार काट कुछ भी नहीं था, बस एक तरह से एक ऐसा संदेश था कि लोग और यंगस्टर छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीवन को जाने पहचाने और जिंदगी को स्टेबल करने के लिए संघर्ष करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, जिंदगी संभल जाएगी। इसलिए अमेरिका भी फैन हो चुका है, बम्बई से लेकर साउथ इंडिया से लेकर पूरी कैलिफोर्निया हिल गई है इस मूवी से। गाइस सुनिए आप, वही ना सच्चाई दिखाई है यंगस्टर्स की, इसमें सच्चाई दिखाई है। मुखर्जी नगर जाते हुए बेचारे के पास पैसे भी नहीं होते हैं, कैसे संघर्ष करता है, टॉयलेट साफ करता है, चक्की चलाता है, जुगाड़ चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, कहाँ तक वो पहुँचता है और कहाँ तक वो तैयारी करके आगे निकल जाता है। ज़्यादा सोर्सेस होने से हमारे पास ज़्यादा सोर्सेस हैं, इसलिए हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते। सोर्सेस उतने होने चाहिए, सीमित संसाधन होने चाहिए हमारे पास। अगर सोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं, जितना चाहिए उतने हैं, तो जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, शिक्षा भी आपकी पूरी हो जाती है फिर आराम से। जो आपने मकसद सोचा है, जो आपने उद्देश्य देखा है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो भी पूरा हो जाता है। बस संसाधन को सीमित कर लीजिए आप, ज़्यादा हैं तो किसी को बांटने की कृपा करें आप। जहाँ गरीब हैं, जैसे ठंड बहुत पड़ रही है, ज़्यादा कपड़े हैं, ब्लैंकेट हैं आपके पास, रजाइयाँ हैं जो बेकार पड़ी हैं, यूजलेस हैं, तो आप गरीबों में दान भी कर सकते हैं। इतने महंगे कपड़े भी नहीं आते, ब्लैंकेट अंडर 1000 में आ जाते हैं, अगर किसी की जान बच जाएगी तो वो इंसानियत के नाते आपको एक बोनस मिलेगा उस गॉड जो आप भरोसा करते हो। तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर हैं जो जगह जगह जाकर डोनेशन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं यंगस्टर्स को। अब यंगस्टर्स काफ़ी हमारा बदल चुका है, इतनी दबंगई गुंडागर्दी में कुछ नहीं रखा,
जो लोग करते हैं गली मोहल्ले दादागिरी करते रहते हैं वो 2-4 साल तक करते हैं, उसके बाद उनको भी एहसास हो जाता है, जब बाप का साया चला जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है उनके दिमाग से, उनको पता है कि ये भूत जो है बस 1-2 साल का होता है शो ऑफ करने वाला, देन वो असली रूप में अपने आप आ जाते हैं, उनको पता है कि असली ज़िंदगी जीना है तो तरीके से चलो और तरीके से सबके साथ व्यवहार अच्छा बनाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, संघर्ष की कहानी रही 12th फेल में उस मनोज कुमार शर्मा जी की। असली हीरोज़ में विक्रांत जी हैं, विक्रांत मैसे, और काफ़ी अच्छा एक्टर हैं ये, और काफ़ी मूवीज़ भी इन्होंने बनाई हैं, और विक्रांत जी ने अच्छा रोल प्ले किया है जिसके दीवाने सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस समय हो रहे हैं, और कई बड़े बड़े इवेंट में विक्रांत जी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों के दिलों में उन्होंने राज कर लिया है और एक जगह बना ली है। बड़े से बड़े एक्टर को फेल कर दिए है विक्रांत जी ने, और उनके जो सहपाठी थी उसमें काम कर रही थी उन्होंने, तो अपना भी इस तरह सा एक ऐसा रोल प्ले करें असली लाइफ में कि आप अपने आप में एक हीरो हैं, रियल में आप एक हीरो हैं, रियली में आप एक हीरो हैं, बस आपको तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, रूटीन चेंज करो और अपने आप में लग जाओ। पिक्चर तो आ जाई है, मैं 2010-11 से मुखर्जी नगर में रहा, पढ़ाई की, और कई सारे बच्चों को मैंने देखा, माहौल भी देखा है, जो फिल्म में दिखाया है वो भी सही दिखाया है, क्योंकि मुखर्जी नगर में हज़ारों कोचिंग सेंटर्स हैं, कौन कोचिंग सेंटर्स आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, बहुत सारी बातें वहाँ देखी जाती हैं, बड़ी मुश्किल से कोचिंग सेंटर अच्छा मिलता है, और इस कोचिंग सेंटर्स काफ़ी सारे हमारे हैं जानने वाले जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ भी रहे हैं आज भी एस्पिरेंट, और आज भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो बात ये नहीं, ईमानदारी से करो जो भी काम करना है, ऑनेस्टी से करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। मंजिल दूर हो सकती है लेकिन ख्वाब जो आपने देखा है वो ज़रूर पूरा होगा, आराम से मंजिल मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रूटीन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।